देश में बढ़ रहे अपराधों से, जैसे बेईमानी, अत्याचार, लूट खसोट या फिर जो चाहे नाम दें, अखबार या टेलीविजन में कुछ ऐसी ही खबरें लगातार बनी रहती हैं। इन्हीं सब बुराइयों से छुटकारा पाना चाहता है भारतीय समाज। जो तंग आ चुका है इन सब से, समय समय पर यूं तो इन सब बुराइयों के खिलाफ मूवमेंट होते रहे, मगर कुछ सफल रहे तो कुछ विफल। आंदोलनों की कामयाबी यूं तो बहुत से फैक्टर्स पे टिकी होती है, मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कैडर। सन 1992 एक आंदोलन जिसने अपने कैडर्स के बलबूते कामयाबी को चूमा वो था चिल्का बचाओ आंदोलन। उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्का झील, यहाँ के आसपास के मछुआरे परेशान थे अपनी रोजी रोटी के छिन जाने से। वजह, कॉर्पोरेट कंपनीज का चिल्का झील पर कब्जा। मकसद, पैसा कमाना और व्यापार बढ़ाना, साथ ही भूखा मारना उन हजारों लोगों को जो बसे थे चिल्का झील के आसपास के गांवों में। तभी एक आवाज उठी चिल्का झील को बचाने के लिए, जिसमें शामिल थे उत्कल यूनिवर्सिटी के कुछ जवान, जो समझते थे कि आखिर क्या होती है एक गरीब की भूख। इन्हीं कैडर्स में एक कैडर चित्रंजन सारंगी, जिसने कमान संभाली चिल्का बचाओ आंदोलन की। चिल्का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है एशिया का, और ये पूरी जिला, खुर्दा जिला और गंजाम जिला, ऐसे तीन जिलों को कवर करता है। 1155 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसमें। ये झील में झींगा कल्टीवेशन, प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आए। ये घेरी बनाकर इंटेंसिव प्रॉन कल्टीवेशन करते तो इनको पर किलो 1400-1500 रुपया झींगा इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाता। इसलिए जो 655 गांव हैं उसके चिल्का के अंदर द्वीप में और जो उसका बगल आजू बाजू में है वो सारे तबाह हो जाते हैं। चित्रंजन और उनके साथी कैडर्स के संघर्ष की बदौलत कॉरपोरेट कंपनीज जैसी बड़ी मछलियां चिल्का झील की छोटी मछलियों को निगल ना सकी। आज यहाँ लोग खुद मछलियां पकड़ते हैं और भेजते हैं बाजारों में बेचने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के गांव आज ग्राम स्वराज की तर्ज पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी कभी गांधी जी ने कल्पना की थी। चित्रंजन की कहानी अभी कहां थमने वाली थी। सन 1999, अगला कदम था किसानों की मदद से 12 किलोमीटर लंबा पहाड़ काटना और एक नहर बनाना, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़े से। मकसद एक बार फिर वही, भूखे को रोटी। मगर फर्क सिर्फ इतना था, यहाँ मछुआरों की जगह थे किसान। 16 आदिवासी गांव जिनकी फसलों को पानी मिला इस 12 किलोमीटर लंबी नहर से। इन आंदोलनों से एक आम आदमी को तो फायदा हुआ ही, साथ ही कुछ टॉपिक्स भी मिले स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए। किसी भी मूवमेंट से जुड़ा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति एक कैडर का किरदार अदा करता है। मेरे अंदर एक भावना था कि मैं दुनिया में जैसा स्थिति चल रहा है इसके मेरे मन में था कि मैं इसको सुधारने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ करूं। मैं अपने आप गांव में या कॉलेज में करती थी। जब यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे और कुछ साथी मिले, कुछ कुछ प्रोग्राम्स लिए और फिर आंदोलन का रूप लिया काम, और छोटा आंदोलन से बड़ा बड़ा आंदोलन भी हुआ, और चिल्का जैसे चिल्का झील में जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ और सफलता भी मिला, तो हमको लगा कि दूसरे प्रांत में भी बहुत सारा समस्या है, उसको लेके भी हम काम कर सकते हैं। तो फिर हमने जो खेत मजदूर का, जो पिजांट से उनका इशूज को लेकर भी राज्य भर में पूरा आंदोलन का काम शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने एक बात जरूर साफ कर दी कि कुछ खूबियां जरूर हैं जो एक कैडर के अंदर होनी ही चाहिए। जैसे कैडर को समझना चाहिए कि आखिर किसी भी मुद्दे की सामाजिक,
आर्थिक या फिर राजनीतिक वजह क्या है, मुद्दे का इतिहास क्या है, क्यों ये मुद्दा पैदा हुआ और इस मुद्दे के निपटारे के लिए क्या किया जा सकता है। जो नौजवान हमारे साथ में जुड़ रहा है अपने परिवार अपने कैरियर छोड़कर, वो एक भावना से जुड़ रहा है और अपनी जिंदगी ने अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसको इतनी धरात समझ मजबूत होनी चाहिए ताकि वो ना डगमगाए आने वाले जिंदगी में। अगर कभी डगमगाया तो उसकी पछतावा हमारे लिए पाप अर्जन जैसे हो जाएगी, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए हमने बहुत बारीकी से तैयारी की कि एक एक व्यक्ति एक एक नौजवान के बारे में क्या, तो ये हमसे में समझ में आई कि उनको पहले ये समझ में आनी चाहिए कि आज की परिस्थिति क्या है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और हम क्या सपना देख रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट चित्र होनी चाहिए। हमारी विजन क्या कहता है, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, हमारी गोल क्या है, उसके बारे में हमें समझ, स्पष्ट समझ उन बच्चों में आनी चाहिए। उन कैडर के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति की समझ को जान सके। उनको जो सामने व्यक्ति मिल रहा है राह चलते, वो क्या इमोशनली वो उनको मोटिवेट करने लग जाते हैं। जरूरत इस बात का है कि उनके नब्ज पहचाने। अच्छे डॉक्टर वो है जो नब्ज पहचान सके बीमारी बीमार का आदमी का, तभी वो अच्छी दवा दे सकती है, उसको जो जरूरत है वही देगा, नहीं तो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति दवा डॉक्टर नहीं बनता। तो इसलिए हमको सामने वाला व्यक्ति को समझने में ज़्यादा समय देनी चाहिए, इतनी धीरज उसमें होना चाहिए और उसका बारीकी समझ होना चाहिए कि व्यक्ति ऐसा कह रहा है ता मतलब क्या है, इसका ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व तो है तो क्या है, उसको क्या मैं करूं, कैसे डील करूं, बच्चों से कैसा डील करूं, बुढ़े से कैसा डील करूं, किसान से कैसा डील करूं, आदिवासी से कैसे डील करूं और पॉलिटिशियन से, तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों को डील करने की उसके तरीका आनी चाहिए। एक कैडर के अंदर खुद की आलोचना को सुनने का साहस होना चाहिए, उसको सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए और सेल्फ क्रिटिसिज्म को हजम करने की हिम्मत होनी चाहिए उसमें। वो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है आज एक्टिविस्टों में, जिसके कारण मुझे अक्सर ये लग रहा है कि मैं IAS ऑफिसरों को समझा पा रहा हूँ कि कहाँ गलती हो रही है, लेकिन मैं एक्टिविस्ट को नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करना उनकी फितरत में नहीं रहा। अब मैं जो समझ लिया वही सही है, इससे हमारा विकास नहीं होती है, और अगर हमारा ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम समाज का क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमारी गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो हम समाज की गलतियों को कैसे सुधारेंगे। अगर समाज अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा तो लड़ेगा कैसे, ताकत कहाँ से बनेगी। वही धर्म की परिभाषा है कि व्यक्ति अपने कमजोरियों से ऊपर उठें, टू राइज अबव वन्स वीकनेसेस इज द रियल बेसिस ऑफ धर्म। और व्यक्ति प्रकृति और समाज के बीच में एक सहज समरस संबंध बनाना ही धर्म है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। और आज के संदर्भ में एक आंदोलनकारी एक क्रांतिकारी का धर्म यही है कि अपने को समझें, परिस्थिति को समझें, सामने वाले व्यक्ति को समझें और फिर तय करें कि हमें इस मुहूर्त इस समय क्या करना है। सरकार या न्यायालय के सामने अपनी बात को भी स्पष्ट रूप से रख सके। पांचवें बिंदु है कि हमें जो शत्रु हैं उनसे हमें परहेज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कब उनका हृदय परिवर्तन कब हो जाए, इसलिए जुडिशियरी से हमको डायलॉग जारी रखनी चाहिए। हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारी एडवोकेसी लॉबी प्रोसेस उनको ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए, मीडिया को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए। एक मान्यता बन गई है कि मीडिया तो कॉरपोरेट के साथ में है, गलत बात है। जुडिशियरी तो अब उनके पीछे होने लगा है, गलत बात है। हमने उस ढंग से जितनी तैयारी करनी चाहिए वो नहीं किए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, चंपारण आंदोलन गांधी ने छेड़ा 1916 में, जितनी तैयारी वो जताई, बारीकी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि नील चासी आंदोलन कैसे एक्सप्लोइट कर रहे हैं, इतना तक वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजॉल्व किया कि नील चासी को बंद कर देना चाहिए। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी अचीवमेंट है, वो डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर है। और हम ये मानते हैं कि हम आ गए तो हम ही प्रवक्ता हैं, हम जो कह रहे हैं वो सब मान लेना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। जुडिशियरी को समझाना जरूरत है,
कॉरपोरेट को समझाने की जरूरत है, सरकार को समझाने की जरूरत है, मीडिया को समझाने की जरूरत है, पॉलिटिक को समझाने की जरूरत है। और उनमें कुछ अच्छे लोग हैं तभी कुछ अच्छे काम हुआ है। NREGS आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, RTI आया, ऐसे ये जो बिंदुएं हुआ ये तो इसीलिए हुआ कि उन्हीं लोगों ने किया। सो वी हैव टू अप्रिसिएट द बेस्ट इन देम, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द वर्स्ट इन अस एंड देन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म देम। दिस शुड बी द फंडामेंटल प्रिंसिपल। आज चित्रंजन और उनके साथियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैडर के रूप में तैयार करना, जिससे देश और देश की आने वाली पीढ़ी को नई दिशा मिल सके।